पेट्रोल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, जनता परेशान है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं और इन दामों को कम कब किया जाएगा। हाल ही में चुनाव हुए और जो करंट सरकार है उसको अच्छा खासा रिजल्ट मिला, उसके बावजूद जब लोगों को सस्ती गैस, सस्ता पेट्रोल नहीं मिला तो फिर लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक गुस्सा है। और इसी गुस्से के कारण आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि एक एक्ट्रेस रह चुकी है, उन्हें फ्लाइट में घेर लिया गया। एक्चुअली स्मृति ईरानी के साथ ये इंसिडेंट तब हुआ जब वो दिल्ली से गुवाहाटी जा रही थी। इसी फ्लाइट में नेटा डिसूजा, जो कि कांग्रेस की नेता है, उन्होंने स्मृति ईरानी को महंगाई को लेकर सवाल करना शुरू कर दिया। स्मृति ईरानी ने पहले तो नेटा को अवॉइड किया और कहा कि आप रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, लोगों को बाहर निकलने दीजिए। माना जा रहा है कि तब फ्लाइट से सब उतर रहे थे, यही कारण है कि जिस वक्त स्मृति ईरानी उतरने लगी तभी नेटा ने उन्हें महंगाई के सवालों से घेर लिया। और उसके बाद जब फ्लाइट की लॉबी में आए तो स्मृति ईरानी ने भी नेटा की वीडियो बनानी शुरू कर दी। स्मृति ईरानी ने पहले कहा कि एक तो आप पर्सनल लाइफ में घुस रहे हैं, पर्सनल स्पेस में घुस रहे हैं। उस पर नेटा का कहना था कि आप एक मिनिस्टर है, एक पब्लिक फिगर है, आपसे जनता जवाब मांगती है, उसी के नाते मैं आपसे जवाब मांग रही हूँ। फिर स्मृति ईरानी ने महंगाई की बात पर यह जवाब दिया कि कितने करोड़ की जो कोविड वैक्सीन है वो फ्री में लगाई है, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं इस तरीके से। साथ ही स्मृति ईरानी ने ये भी कहा कि कई गरीब लोगों को सब्सिडी के साथ गैस सिलेंडर्स अलॉट किए गए हैं। ये कुछ बातें स्मृति ईरानी करती नजर आई, लेकिन नेटा और स्मृति ईरानी की ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। नेटा खुद अपने मोबाइल से स्मृति की वीडियो बना रही थी और इधर स्मृति बात करते करते खुद नेटा की वीडियो बना रही थी। इस तरह की ये आपसी बातचीत की वीडियो अब काफी वायरल हो रही है। नेटा ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर करते हुए कहा कि स्मृति ईरानी से फ्लाइट में जब मैंने महंगाई को लेकर बात पूछी तो उन्होंने इसका पूरा का पूरा ठीकरा वैक्सीन और राशन पर फोड़ दिया। पूरी वीडियो देखें ये जानने के लिए कि आम जनता के दुख पर स्मृति ईरानी ने कैसा रिएक्शन दिया है सोशल मीडिया पर। अब ये वीडियो बेहद वायरल हो रही है।